हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद अंजना। और मैं हूँ अंजना, और आज मैं आपको फेस बनाने सिखाने वाली हूँ। तो चलिए फेस बनाते हैं, बट सबसे पहले मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेस बनाना सिखा रही हूँ। फेस में सबसे पहले मैं आँखों को बनाना बताऊँगी आपको। से पहले की वीडियो में मैंने आँख बनाना सिखाया है, जिसने मेरे आगे की वीडियो नहीं देखा वो मैं जाके मेरे आगे की वीडियो को भी देख सकते हैं और इस पेंसिल से आँखों को बनाना सीख सकते हैं। इसमें मैं फुल फेस स्केच बता रही हूँ। फुल फेस स्केच बनाने से पहले हमें पूरा स्ट्रक्चर फेस का बना लेना पड़ता है। पहले इससे पता हमें चल जाएगा कि फेस कितना बड़ा और कितने साइज का बन रहा है, दोनों आंखों का साइज कितना होने वाला है, नोज का साइज कितना होने वाला है, लिप्स का साइज कितना होने वाला है। उसके बाद हम शेडिंग को बताएंगे। पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है पूरा। हमें पता चल जा रहा है कि हमें आंखों का साइज, नाक का साइज, होंठ का साइज और पूरा चेहरे का साइज कितना बड़ा बनाना है। हमें चेहरे को गोल लंबा कैसा बनाना है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें गोल चेहरा चाहिए या लंबा चेहरा चाहिए, बाल कैसे चाहिए, उसे हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा पहले खड़ा कर लेना है। उसके बाद हमें शेडिंग स्टार्ट करना है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मैं इसमें शेडिंग स्टार्ट करूँगी। पहले मैं आँखों से स्टार्ट करूँगी। इसमें मैंने चारकोल पेंसिल से इस आँखों को डार्क कर लेना है। आँखों में शेडिंग करते हुए इसे डार्क करना है दोनों आँखों को। आईब्रोज को भी डार्क कर लेते हैं। अब पेंसिल की सहायता से आंखों में रंग की तरह रंग भर देना है और ब्रश की सहायता से इसे मैं फैला लेती हूँ। आप सेट पेंसिल से सेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पेंसिल से सेटिंग स्टार्ट कीजिए। ये सेटिंग पहले हमें फुल फेस में करना होगा। जिस जगह पे डार्क करना है उस जगह पे थोड़ा सा पेंसिल को डार्क चलाना है, जिस जगह पे लाइट करना है सेट उस जगह पे थोड़ा पेंसिल को लाइट चलाना है। और टिश्यू पेपर की सहायता से इसे रब कर लेना है। शेडिंग की सहायता से ही हमें पता चलेगा कि फेस में कहाँ पे उभार है, कहाँ पे कम डार्क है, कि
की जगह पे बहुत ज़्यादा डार्क है, जिसे हमें हमारी चीक के साइडिंग को थोड़ा सा डार्क करना पड़ता है, लिप्स को थोड़ा डार्क देना होता है। नोज की साइडिंग को भी मैंने डार्क कर लिया और अब आईलेसेस को भी डार्क पेंसिल से डार्क कर लिया। अब हेयर एंड ईयर को भी डार्क करते हुए इसके साइज कितने होंगे। आप किसी भी टिश्यू पेपर या किसी प्रकार के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका पेंसिल कलर कहीं आपके फेस के को ख़राब ना कर दे, इसलिए मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर को भी मैंने उसी प्रकार से पहले सेटिंग करके टिश्यू पेपर से रब कर लिया। आप इसमें डार्क कलर से डार्क पेंसिल को चलाते हुए इसको डार्क कर रही हूँ। और जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। और रबड़ की सहायता से जहाँ पे भी हमें लाइट करना है, रबड़ की सहायता से हम वहाँ लाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिप्स पे किया है, नोज पे किया और हल्का चीक्स के ऊपर किया।
बोन्स को थोड़ा डार्क करती हूँ ताकि चीक बोन दिख सके। उसकी साइडिंग में अगर डार्क नहीं करते तो चीक बोन को दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा फुल फेस स्केच बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।